नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 अक्टूबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने को लेकर एक्शन मोड में बिहार पुलिस। सेविका सहायिकाओं की हड़ताल जारी, किया प्रदर्शन। अब घर बैठे पढ़े बिहार म्यूजियम के पुस्तकालय की किताबें। बिहार के तमाम मुखिया ने 19 सूत्री मांगों को लेकर पटना में किया प्रदर्शन। आज भारत अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा विश्व कप 2023 का नौवा मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 677 पदों पर निकाली भर्ती। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट और मल्टी टास्किंग स्टाफ जनरल के कुल 677 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह MHA की आधिकारिक वेबसाइट MHA.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की शुरुआत 14 अक्टूबर से हो रही है, तो वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 13 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहीं SA/MT पदों के लिए 10वीं पास होने के साथ साथ कार ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया होना चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जारी किए गए अधिसूचना को देख सकते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने को लेकर एक्शन मोड में बिहार पुलिस। मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए देश के कई राज्यों के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही। अब इसी कड़ी में बिहार में भी मादक पदार्थों के तस्करी को लेकर बिहार आर्थिक अपराध इकाई ADG नैयर हसनैन खान के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस, केंद्रीय नारकोटिक्स और अन्य एजेंसियों के माध्यम से पता लगाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विगत एक सालों में बिहार के गया जिले के बाराचट्टी और धनगई इलाके, जो झारखंड बॉर्डर से सटे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, बिहार पुलिस के द्वारा नक्सलियों पर किए गए लगातार कार्रवाई से मादक पदार्थों का प्रभाव कम हुआ है। यही वजह है कि इन इलाकों में बीते वर्ष 2021 और 2022 में लगभग 1290 एकड़ में हो रही मादक पदार्थों की खेती को नष्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि पहली बार इसको लेकर BFO के अधीन एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे नेहा सरगम के बारे में। नेहा दुबे, जिन्हें उनके स्टेज नाम नेहा सरगम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेत्री और गायिका है। इंडियन आइडल 4 में उनकी भागीदारी और स्टार प्लस पर चांद छुपा बादल में, GTV पर रामायण, स्टार प्लस पर महाभारत, GTV पर डोली अरमानों की मिर्जापुर और थिएटर म्यूजिकल मुगल ए आजम जैसे शो के लिए जाना जाता है। नेहा ने इंडियन आइडल 2 में ऑडिशन दिया था, लेकिन दूसरे ऑडिशन में वह गाने के बोल भूल गई और रिजेक्ट कर दी गई। वह चांद छुपा बादल में के साथ साथ रामायण में सीता की भूमिका में भी दिखाई देती हैं। उन्होंने परामवतार श्री कृष्ण में लक्ष्मी की भूमिका निभाई। उन्होंने धारावाहिकों में भी काम किया है। उन्होंने पुनर्विवाह, जिंदगी मिलेगी दोबारा और डोली अरमानों की में एक कैमियो किया था। लीप के बाद दिया इस प्यार को क्या नाम दूं में मुख्य भूमिका निभाई थी। 2020 में उन्होंने मिर्जापुर सीजन 2 में सलोनी त्यागी की भूमिका निभाई। सेविका सहायिकाओं की हड़ताल जारी, किया प्रदर्शन। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले राज्य के कई जिलों में आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं के द्वारा अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन फतुहा व दनियावा की सेविका सहायिकाओं के द्वारा CDPO कार्यालय के पास धरना देते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। इसके अलावा रोहतास में भी सेविका सहायिकाओं के द्वारा प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। वहीं दूसरी ओर बिहार की राजधानी पटना में आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा पटना जदयू कार्यालय में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान वहां अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान भी मौजूद थे। जैसे ही इसकी जानकारी सेविकाओं को मिली, तुरंत मंत्री का घेराव कर दिया गया, जिसके बाद मंत्री के द्वारा सेविकाओं से बातचीत की गई और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेविका सहायिकाओं की मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, मानदेय बढ़े, समान काम समान वेतन समेत कई मांग शामिल है। गंगा में मछलियों की संख्या को बढ़ाने का काम करेगी बिहार सरकार। बिहार सरकार के द्वारा गंगा नदी में कम पड़ रही मछलियों की संख्या को बढ़ाने को लेकर रिवर रेंचिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत सरकार की ओर से बक्सर से लेकर कहलगांव तक बह रही गंगा में मछलियों के विलुप्त हो रही प्रजाति रेहू व कतला की संख्या में बढ़ाने के लिए मुंगेर जिला की सीमा में पड़ने वाली गंगा में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह अथवा नवम्बर के प्रथम सप्ताह में 4 लाख रेहू व कतला मछली का जीरा डाला जाएगा, जिससे डॉल्फिन की संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो वहीं प्रवासी पक्षियों का आवागमन भी बढ़ेगा और साथ ही मछुआरों की भी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इसके अलावा पानी में मछलियों की संख्या बढ़ने के बाद जल की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। इस कार्य को करने के लिए मत्स्य विभाग के द्वारा तैयारी की जा रही है।
तमाम मुखिया ने 19 सूत्री मांगों को लेकर पटना में किया प्रदर्शन। बिहार प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर बीते दिन बिहार की राजधानी पटना में राज्य के तमाम मुखिया के द्वारा अपने 19 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। बता दें कि मुखिया के द्वारा पहले चरण में सरकारी कामों को बाधित कर जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर पर प्रदर्शन करने का काम किया गया था, लेकिन मांग पूरा न होने की वजह से बीते दिन इनके द्वारा पटना के गर्दनी बाग में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में बिहार मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश राय के द्वारा कहा गया है कि बिहार के तमाम मुखिया एकजुट हो चुके हैं और प्रदर्शन करने के लिए पटना पहुंच चुके हैं और इस प्रदर्शन के माध्यम से ही हम सरकार को आगाज करने की कोशिश करेंगे। वहीं अन्य मुखिया के द्वारा कहा गया कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने का काम करेंगे। अब अपने फंड से योजनाओं को पूरा करेगी राज्य सरकार। बिहार सरकार की ओर से अब अपने फंड से ही योजनाओं को पूरा करने का काम किया जाएगा, ताकि खर्च के लिए केद्रांस की प्रतीक्षा न करनी पड़े और न ही जटिल प्रक्रिया के चलते राशि सरेंडर करने की नौबत आए। इसको लेकर शिक्षा विभाग के योजना अधिकारी के द्वारा बताया गया है कि राज्य में शिक्षा बजट की 15% राशि ही केंद्र से मिलती है, शेष 85% खर्च राज्य सरकार की ओर से ही किया जाता है। ऐसे में जब बजट का 85% खर्च राज्य सरकार को ही करना है तो केंद्रांश से मिलने के इंतजार में योजनाओं को देर से क्यों शुरू किया जाए। उन्होंने बताया कि इस पर काफी विचार करने के बाद अब शिक्षा विभाग के द्वारा यह तय किया गया है कि अप्रैल मई से ही योजनाओं के क्रियान्वयन कराने से ससमय इसे पूरा किया जा सकेगा। जहरीला धुआं उगलने वाली फैक्ट्री को मिली चेतावनी। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में कोयले से संचालित होने वाली फैक्ट्रियों के मालिकों को ईंधन के रूप में नेचुरल गैस उपयोग करने का बोला गया है। बता दें कि ऐसे 11 फैक्ट्रियों की पहचान की गई है जहां ईंधन के रूप में कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा। वहीं ऐसे में इन फैक्ट्रियों को परिषद की ओर से 3 महीने का अंतिम समय दिया गया है, ताकि वे तकनीक में बदलाव कर कोयले की जगह नेचुरल गैस का ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सके। ऐसे में जिन फैक्ट्री के मालिकों के द्वारा इन आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उनकी यूनिट को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। इस बारे में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर डीके शुक्ला के द्वारा बताया गया है कि राज्य में बढ़ते प्रदूषण की मात्रा को देखते हुए बोर्ड की ओर से सावधानी बरतने का काम किया जा रहा। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे कौनहाड़ा घाट के बारे में। कौनहाड़ा घाट भारत के बिहार राज्य के हाजीपुर में एक नदी तट है। कौनहाड़ा घाट गंगा गंडक नदियों के प्रमुख घाटों में से एक है, जहां सदियों से पूजा और दाह संस्कार साथ साथ किया जाता रहा है। इसका नाम एक पौराणिक कथा से आया है, जिसके अनुसार हाथी मगरमच्छ की लड़ाई लोगों के पूछने का कारण है कौनहाड़ा। यह लड़ाई शहर के लिए एक प्रतीक है और इसे हाजीपुर रेलवे स्टेशन के गुम्बद, सोनपुर मेले के प्रवेश बिंदु और अन्य उल्लेखनीय स्थानों पर प्रमुखता से दर्शाया गया है। चूंकि गंगा पश्चिम से और गंडक उत्तर से बहती है, वे समकोण पर मिलती है। यह नाम 5वीं शताब्दी में दिया गया था। बाद में बोलचाल की हिंदी विकसित हुई और यह शब्द कोन से कौन और धारा से हारा में बदल गया। हाजीपुर के लोग हर पूर्णिमा पर और विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा के दौरान हर छठ पूजा के लिए घाट को सजाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहां गंगा स्नान में मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसे में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लाखों की संख्या में लोग इस घाट पर आकर डुबकी लगाते हैं। बीपीएससी शिक्षक बहाली रिजल्ट से पहले शिक्षा विभाग को ज्वाइनिंग डेट से संबंधित पत्र हो रहा वायरल। इन दिनों बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से जुड़ा एक पत्र वायरल हो रहा है, जो कि ज्वाइनिंग डेट से संबंधित पत्र है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि अब तक बीपीएससी के द्वारा लिए गए 1.70 लाख शिक्षकों के भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग डेट का पत्र सामने आ गया है और वायरल हो रहा। बता दें कि इस पत्र से स्पष्ट हो रहा है कि 15 और 16 अक्टूबर को उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन होना है और 17 और 18 अक्टूबर को माध्यमिक के लिए सफल अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन होना है। इसके बाद 19, 20 और 21 अक्टूबर को प्राइमरी के लिए सफल अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन होना है। वहीं इस पर विभाग के अधिकारी का कहना है कि रिजल्ट जारी होने के डेट के आधार पर विभाग की यह तैयारी थी, लेकिन विभाग की यह इंटरनल पर पत्र बिना हस्ताक्षर के कैसे वायरल हो गया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में अगर रिजल्ट निकलने में देरी होती है तो वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। दुर्गा पूजा में सुरक्षा होगी कड़ी, चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की तैनाती। दुर्गा पूजा की शुरुआत होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे में इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है। वहीं प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बता दें कि दुर्गा पूजा के दौरान राज्य में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इसी कड़ी में बिहार की राजधानी पटना में भी डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह व एसएसपी राजीव मिश्रा के द्वारा 24 अक्टूबर को गांधी मैदान में होने वाले रावण वध कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि गांधी मैदान को 4 सेक्टर में बांटकर वरीय मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में सभी व्यवस्था ससमय पूरा किया जाए। वहीं भीड़ पर निगरानी रखने के लिए 8 वॉच टावर पर पुलिस व सिविल डिफेंस के कर्मी प्रतिनियुक्ति रहेंगे। इसके अलावा गांधी मैदान के आसपास 91 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। सेक्टर वाइज मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। वहीं तैयारी को लेकर अपर समर्था आपदा प्रबंधन व नगर पुलिस अधीक्षक नोडल पदाधिकारी होंगे। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस को बाइक दस्ता सक्रिय होगा और साथ ही सुरक्षा को देखते हुए हर तरह के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में सुझावों को लेकर सीएम नीतीश ने की समीक्षा बैठक। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त सुझावों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान सीएम नीतीश के द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि बिजली की उपलब्धता और गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए जो भी जरूरी कार्य है उसे पूरा किया जाए। देश में सबसे पहले बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना प्रारंभ की गई है। ऐसे में बचे हुए सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम जल्द से जल्द पूरा करें। सभी सरकारी भवनों की छत पर सोलर प्लेट्स लगाए जाने के कार्य को तेजी से पूर्ण करें। सभी सरकारी संस्थानों में सोलर प्लांट लगाने के साथ साथ लोगों को अपने अपने घरों में सोलर प्लेट लगाने के लिए प्रेरित करें। 7-2 के अंतर्गत सभी पंचायतों के सभी वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने के काम में तेजी लाएं और हर घर नल का जल योजना का कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण ठीक ढंग से करें। वहीं अगर इससे संबंधित किसी प्रकार की शिकायत करनी हो तो टोल फ्री नंबर 1-55-45 या 1-800-345-6268 पर संपर्क कर सकते हैं। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से कई कोशिशें की जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिल रही। उल्टा शराब तस्कर आए दिन तस्करी के लिए नए नए तरीकों का निजात करते रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के जलालपुर रोड का है, जहां उत्पाद विभाग के द्वारा वाहन जांच के दौरान कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो के फर्श और बॉडी में छुपाकर लाई जा रही 720 टेट्रापैक शराब बरामद की गई है और साथ ही चालक की भी गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसकी पहचान मुकेश यादव के रूप में की गई। इसके अलावा पुलिस के द्वारा बोलेरो को भी जब्त कर लिया गया है। प्रदेश में मौसम बना रहेगा शुष्क। बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। प्रदेश के लगभग जिलों से अब मॉनसून की विदाई हो गई है। लौटते मॉनसून के बीच में अब यह कहा जा रहा है कि इस बार के दुर्गा पूजा में बारिश होने की संभावना न के बराबर है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून इन दिनों कमजोर पड़ गया है। मौसम जानकारों की माने तो अगले 1-2 दिनों में प्रदेश के अन्य जिलों से मॉनसून की विदाई लगभग तय है। हालांकि विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि 12 अक्टूबर के बाद से प्रदेश में किसी तरह की कोई भी बारिश की संभावना नहीं है। इधर मौसम के जानकारों की माने तो इस बार प्रदेश में सामान्य से कम ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। अब घर बैठे पढ़े बिहार म्यूजियम के पुस्तकालय की किताबें। बहुत जल्दी छात्र और रिसर्च स्कॉलर्स बिहार म्यूजियम में बने स्टडी सेंटर में मौजूद किताबों को ऑनलाइन पढ़ सकेंगे। इसके लिए किताबों के ऑटोमेशन को लेकर काम जारी है, जो कि दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन बता दें कि सुविधा उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके पास स्टडी सेंटर का मेंबरशिप कार्ड होगा। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 साल के लिए लाइब्रेरी की मेंबरशिप के लिए 200 से 500 रुपए तक लिए जा रहे हैं, जिसमें पीजी के विद्यार्थियों से 200 रुपए, रिसर्च स्कॉलर से 300 रुपए और जनरल कैटेगरी से 500 रुपए सालाना मेंबरशिप के लिए जाएंगे। संग्रहालय के एडिशनल डायरेक्टर अशोक कुमार सिन्हा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि स्टडी सेंटर में विभिन्न विषयों से जुड़े 2500 किताबें मौजूद हैं। निगरानी विभाग की टीम ने घुसखोर एएसआई को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। बीते दिन बिहार के बांका जिले में निगरानी विभाग की ओर से टुनटुन यादव की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए चांदन थाना के एएसआई मनोज पासवान को किसी केस में मदद पहुंचाने के लिए टुनटुन यादव से 20,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इस कार्रवाई के बाद पुलिस कर्मियों में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। सभी इस मामले पर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। मालूम हो कि टुनटुन यादव की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निगरानी विभाग के द्वारा एएसआई को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर उसे रंगे हाथ गिरफ्तार करने में सफलता पा ली गई है। एएसआई मनोज पासवान पर 20,000 रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। संघ लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर जारी। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के द्वारा वर्ष 2024 में होने वाली विभिन्न तरह की परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया गया है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी इस कैलेंडर को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। बता दें कि जारी किए गए कैलेंडर में यह जानकारी दी गई है कि यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की परीक्षा का आयोजन 26 मई 2024 को किया जाएगा। वहीं इसके अलावा सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 20 सितंबर से आयोजित की जाएगी। भारतीय वन सेवा परीक्षा का आयोजन 24 नवंबर
2024 में किया जाएगा। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 का आयोजन 18 फरवरी को और संयुक्त भू वैज्ञानिक मुख्य परीक्षा का आयोजन 18 फरवरी को किया जाएगा। इसके अलावा CISF AC LDCE 2024 का आयोजन 10 मार्च 2024 को और IES/ISS का आयोजन 21 जून 2024 को किया जाएगा। बिजली विभाग का दावा, राज्य के लोगों को मिलेगी 6200 से 6300 मेगावाट बिजली। राज्य के लोगों को त्योहार के सीजन में निर्बाध बिजली मिल सके, इसको लेकर साउथ और नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। एनटीपीसी के अधिकारियों के द्वारा इसको लेकर दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में बाहर बिजली घर की यूनिट 4 का मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, जिसके पूरा होने के बाद यहां से 534 मेगावाट बिजली की सप्लाई शुरू होगी। वहीं दूसरी ओर तकनीकी गड़बड़ियों के कारण नवीन नगर यूनिट 3 जो बंद पड़ा है वह भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा, जिसके बाद यहां से 512 मेगावाट बिजली की सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा वर्तमान समय में राज्य को सेंट्रल सेक्टर द्वारा करीब 5200 मेगावाट बिजली सप्लाई की जा रही है। ऐसे में इन सभी कार्यों के पूरा होने के बाद त्योहार के दौरान बिहार को 6200 से लेकर 6300 मेगावाट तक बिजली देने की योजना बनाई गई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में गलत प्रश्नों के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने की सुनवाई। बीते दिन पटना हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा के द्वारा राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा में गलत प्रश्नों के मामले को लेकर प्रकाश चंद्र मिश्रा व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के सामने अधिवक्ता रितिका रानी के द्वारा पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि राज्य में शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें सामान्य ज्ञान की प्रश्न संख्या 9, 13, 16 और 47 व फिजिक्स की प्रश्न संख्या 59 था, जिसमें उत्तरों के गलत विकल्प दिए गए। तो उन्होंने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा पहली बार यह स्वीकार किया गया है कि एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा उत्तरों के गलत विकल्प बनाए गए हैं, इसलिए समिति की ओर से उत्तरों के विकल्प तैयार करने वाले एसोसिएट प्रोफेसरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट को समिति के द्वारा बताया गया है कि राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद फिर से मूल्यांकन कराकर नए सिरे से 2019 के राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम प्रकाशित किए जाएंगे। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई दुर्गा पूजा अवकाश के 2 सप्ताह बाद की जाएगी। आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी को लेकर तेजस्वी यादव ने लिखा पत्र। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा बीते दिन जानकारी देते हुए बताया गया है कि अब राज्य में आशा कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त अपनी ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है और अब उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 के बदले 2500 रुपए देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस बारे में उनके द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखा गया है। बता दें कि उन्होंने इस बात की जानकारी एक्स पर ट्वीट कर दी गई है। उन्होंने पत्र का तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त अपनी ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का निर्णय लिया है। कमर तोड़ महंगाई केंद्र द्वारा प्रोत्साहन राशि में वृद्धि नहीं करने एवं NHM के विभिन्न मदों में आशा प्रोत्साहन दर कम होने के कारण आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा। 5 नवंबर को बिहार आ रहे अमित शाह। एक बार फिर से 5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरपुर में अपनी रैली को लेकर बिहार आ रहे हैं। बता दें कि बीते 50 दिनों में ये उनका बिहार का दूसरा दौरा होगा। इससे पहले वह 16 सितंबर को बिहार पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने मधुबनी के झंझारपुर में रैली आयोजित की थी। वहीं अब एक बार फिर से इनके आगमन को लेकर पार्टी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि बीते दिन बीजेपी की लोकसभा कोर कमेटी की एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें बूथ कमेटियों के गठन से लेकर गठबंधन के स्वरूप और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के मद्देनजर तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमित शाह यह बिहार दौरा प्रवास यात्रा के तहत कर रहे हैं। आज भारत अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा विश्व कप 2023 का नौवां मुकाबला। आज यानी कि 11 अक्टूबर को विश्व कप 2023 का नौवां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। मालूम हो कि आज का यह मैच दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक इन दोनों टीमों के बीच 3 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें से 2 मैचों में भारत ने जीत दर्ज की तो वहीं 1 मैच टाई हो गया था। वहीं विश्व कप 2023 में एक तरफ जहां भारत अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से जीत कर आ रहा, तो वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम यह अपना पहला मैच बांग्लादेश से हार कर पहुंची है। अगर आप भी आज होने वाले इस मैच का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप इस मैच को लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। कलकत्ता में 1737 में भूकंप से 3 लाख लोगों की मौत हुई, आधा शहर इस प्राकृतिक आपदा में तबाह हो गया था। भारत की शांति सेना ने 1987 को श्रीलंका में ऑपरेशन पवन की शुरुआत की। यह अभियान लिट्टे का कब्जा खत्म कर जाफना को मुक्त कराने के लिए छेड़ा गया था। त्रिनिदाद में जन्मे भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक विद्याधर सूरज प्रसाद नॉयपॉल का वर्ष 2001 के नोबल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा 2001 में की।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2008 को नौगांव स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर कश्मीर की घाटी में चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक और शिक्षाविद मगन भाई देसाई का जन्म 1889 में हुआ। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में हुआ। समाजसेवी चंडिका अमृतराव देशमुख का जन्म 1916 में हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मजबूत स्तंभ और प्रख्यात समाजसेवक नानाजी देशमुख का जन्म 1916 में हुआ। भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्म 1942 में हुआ। भारतीय वैज्ञानिक विजय पी भटकर का जन्म 1946 में हुआ। विवेकानंद के सहयोगी तथा शिक्षिका तथा समाजसेवी का सिस्टर निवेदिता का निधन 1911 में हुआ। खूबसूरत और गोलमाल सहित 120 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम करने वाली प्रसिद्ध अभिनेत्री दीना पाठक का निधन 2002 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे लॉटरी के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे लॉटरी के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक फर्जी पत्र में 25 लाख रुपए की लॉटरी की पेशकश का दावा किया गया है। पंजीकरण शुल्क के रूप में 6100 रुपए के भुगतान की बात कही गई है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि लॉटरी घोटालों से सावधान रहे, ऐसे ईमेल का जवाब न दे, कभी भी अपनी व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी किसी के साथ साझा न करे। व्हाट्सएप आपकी प्राइवेसी को बेहतर बनाने के लिए ला रहा ये फीचर। व्हाट्सएप आपकी प्राइवेसी को और भी बेहतर बनाने के लिए एक सीक्रेट कोड नाम के फीचर पर काम कर रही है, जो आपके हिडन चैट्स को सेफ रखेगा और आप इस कोड की मदद से अपने चैट्स को एक्सेस कर पाएंगे। इस बात की जानकारी व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WA Beta Info ने शेयर की है। फिलहाल ये फीचर एंड्रॉइड बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। आने वाले समय में कंपनी इसे सभी के लिए लाइव कर सकती है। इसकी मदद से आप ऐप में एक इमोजी के जरिए अपने लॉक्ड फोल्डर को ढूंढ पाएंगे, साथ ही लिंक्ड डिवाइस में भी इन्हें एक्सेस कर पाएंगे। यानी जैसे ही आप ऐप के सर्च बार में इमोजी या वर्ड को डालेंगे जो आपने सेट किया होगा, तो आपको तुरंत लॉक्ड चैट्स दिखने लगेंगे। इस फीचर की मदद से आप अपने चैट्स को लिंक्ड डिवाइसेस से भी सुरक्षित रख पाएंगे। वर्तमान में लॉक्ड चैट्स केवल प्राइमरी डिवाइस में लॉक्ड रहती है और लिंक्ड डिवाइस में इन्हें कोई भी देख सकता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए शांति के नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन बी पद्मश्री पुरस्कार, ऑप्शन सी मानवाधिकार के लिए पुरस्कार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शांति के नोबेल पुरस्कार। अगला सवाल, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर ज्योइता गुप्ता को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन बी स्पिनोजा पुरस्कार, ऑप्शन सी भारत रत्न, ऑप्शन डी पद्मश्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्पिनोजा पुरस्कार। अगला सवाल, बिहार शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन ए बौद्ध मठ, ऑप्शन बी जंगल, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी प्राचीन राज्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बौद्ध मठ। अगला सवाल, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए छठवां, ऑप्शन बी बारहवां, ऑप्शन सी आठवां, ऑप्शन डी तेरहवां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बारहवां। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह का बिहार में किसने नेतृत्व किया? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी मंगल पांडे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुंवर सिंह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सभ्या झा, प्रभात जायसवाल, भान प्रकाश मौर्य, रंजीत मिश्रा, गोनर शर्मा, रोनू गोलू कुमार, प्रहलाद कुमार, रविशंकर, आशीष कुमार, श्वेता रॉय, मोहम्मद सकीर हुसैन, लवली कुमारी, राम नरेश कुमार, निर्दोष यादव, सुरेंद्र कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में 24 घंटे में कितने घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाती है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार डी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।